क्या आपके जोड़ों में दर्द रहता है? क्या आप पैरों की उंगलियों, एड़ियों और घुटनों के दर्द या फिर गठिया के शिकार हैं? तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो सकती है, जो बहुत ही खतरनाक है। क्या है यूरिक एसिड? जब किसी वजह से किडनी की फिल्टर यानी छानने की क्षमता कम हो जाती है, तो यूरिया यूरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, जो हड्डियों के बीच में जमा हो जाता है। यूरिक एसिड शरीर के सेल्स और उन चीजों से बनता है जो हम खाते हैं। इसमें से यूरिक एसिड का ज्यादातर हिस्सा किडनियों के जरिए फिल्टर हो जाता है, जो टॉयलेट के जरिए शरीर से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर यूरिक एसिड शरीर में ज्यादा बन रहा है या किडनी फिल्टर नहीं कर पाती, तो खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। बाद में यह हड्डियों के बीच में जमा हो जाता है और इससे गाउट की समस्या पैदा हो जाती है। यूरिक एसिड के बढ़ने से शरीर की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, जिससे दर्द महसूस होता है, और ये दर्द शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, खासकर टखने में, कमर, गर्दन, घुटने आदि में। इसी से बाद में गाउट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी परेशानियां हो जाती हैं। यूरिक एसिड के लक्षण। शुरुआत में यूरिक एसिड के बढ़ने का पता नहीं लग पाता। ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं होती कि यूरिक एसिड के बढ़ने को कैसे पहचाने। कुछ लक्षण हैं जिन्हें देख आप पहचान सकते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ रहा है। जोड़ों में दर्द होना, उठने बैठने में परेशानी होना, उंगलियों में सूजन आ जाना, जोड़ों में गांठ की शिकायत होना। इसके अलावा पैरों और हाथों की उंगलियों में चुभन वाला दर्द होता है, जो कई बार असहनीय हो जाता है। इसमें आदमी ज्यादा जल्दी थक भी जाता है, इसलिए इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। कभी भी इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए तो डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन ये यूरिक एसिड क्यों होता है, यह जान लेना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप सचेत रहें और उन चीजों से दूर रहें जिनसे यूरिक एसिड बढ़ता है। यूरिक एसिड बढ़ने के मुख्य कारण। खान पान और लाइफस्टाइल में बदलाव यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। अगर डायबिटीज के मरीज हैं, तो आपके शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना तय है, क्योंकि डायबिटीज की दवाओं से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। रेड मीट, सी फूड, दाल, राजमा, मशरूम, गोभी, टमाटर, मटर, पनीर, भिंडी, अरबी और चावल खाने से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। खाने, भोजन के रूप में लिया जाने वाला प्यूरिन प्रोटीन भी यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाता है। जो लोग व्रत रखते हैं, उनमें भी अस्थायी रूप से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। जबरदस्ती एक्सरसाइज करने या फिर वजन कम करने के चक्कर में भी कई बार यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की दवाएं और पेन किलर्स दवाएं खाने से भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। यूरिक एसिड और गठिया को ठीक करेंगे ये घरेलू उपाय। यूरिक एसिड आज बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है, जिसकी वजह से गठिया, जोड़ों में दर्द और आर्थराइटिस की परेशानी हो रही है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि वक्त पर लोगों को इसका पता नहीं चलता। लेकिन कुछ उपाय हैं जिनके जरिए यूरिक एसिड का इलाज किया जा सकता है। यूरिक एसिड ट्रीटमेंट के घरेलू तरीके। रोजाना सुबह 2 से 3 अखरोट खाएं। ऐसा करने से बढ़ा हुआ यूरिक एसिड धीरे धीरे कम होने लगेगा। हाई फाइबर फूड जैसे ओटमील, दलिया, बीन्स, ब्राउन राइस, ब्राउन चावल खाने से यूरिक एसिड की ज्यादातर मात्रा एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसका लेवल कम हो जाएगा। बेकिंग सोडा के सेवन से भी यूरिक एसिड को कम करने में मदद मिलेगी। अजवाइन का सेवन रोजाना करें, इससे भी यूरिक एसिड की मात्रा कम होगी। विटामिन सी से भरपूर चीजें ज्यादा से ज्यादा खाएं, क्योंकि विटामिन सी यूरिक एसिड को टॉयलेट के जरिए बाहर निकालने में मदद करता है। सलाद में रोजाना आधा या एक नींबू खाएं। इसके अलावा दिन में कम से कम एक बार एक गिलास पानी में नींबू निचोड़ कर पिएं। बाहर का खाना खाने के शौकीन हैं तो तुरंत बंद कर दें और खान में फल, सब्जियां और फाइबर फूड शामिल करें। राजमा, छोले, अरबी, चावल, मैदा, रेड मीट जैसी चीजें ना खाएं। फ्रैक्टोज वाले कोई भी पेय पदार्थ ना लें, क्योंकि ये आपके यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। यह एक शोध में भी साबित किया जा चुका है। रोजाना सेब खाएं। सेब में मौजूद मैलिक एसिड यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे ब्लड में इसका लेवल कम हो जाता है। यूरिक एसिड कम करने के लिए तले भुने और चिकनाई युक्त भोजन से दूर रहें। घी और मक्खन से भी दूरी बनाएं।
ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने से बचें। कुछ मछलियों की प्रजाति में जैसे ट्यूना और सालमन, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है और इन्हें खाने से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हर दिन 500 मिलीग्राम विटामिन सी लेंगे तो यूरिक एसिड 2 महीने के अंदर ही कम हो जाएगा। खूब पानी पिएं, कम से कम 3 लीटर पानी रोजाना पिएं। ज्यादातर परेशानी पानी पीने से दूर हो जाती है। पानी ज्यादा पिएंगे तो शरीर की जो गंदगी है वो शरीर से बाहर निकलेगी। रोजाना खाना खाने के बाद 1 चम्मच अलसी के बीज चबाएं, यूरिक एसिड की मात्रा कम होगी। यूरिक एसिड बढ़ जाने पर अगर गठिया की परेशानी हो गई हो तो घबराएं नहीं। बथुए के पत्तों का जूस निकालकर रोजाना सुबह खाली पेट पिएं, उसके 2 घंटे बाद तक कुछ ना खाएं। रोजाना ऐसा करने पर कुछ वक्त बाद यूरिक एसिड की मात्रा कम हो जाएगी।